तो थाउजेंड वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अगला मैच लिनफी और लिन के बीच में अनाउंस होता है, जिसके बाद लिनफी अरीना में आ जाता है, लेकिन वहां पर लिन प्रेजेंट नहीं होता है और वह एक जगह बैठा हुआ था और वह इस मैच में इंटरेस्टेड नहीं था। जिसके बाद लिन के मास्टर सेक्ट मास्टर को बताने जाते हैं कि लिन इस मैच में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन यह बताने से पहले ही वहाँ पर लिन आ जाता है और वह कहता है मैं अपने मास्टर को निराश नहीं कर सकता। उसके बाद वह अरीना में आ जाता है, जिसके बाद इस मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें लिन ने मिस फॉर्चून शॉट टेक्निक का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे हम देखते हैं कि एक डार्क शेडो लिन के पीछे से आ जाता है और वह उसे कवर कर लेता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लिनफी दिखाया जाता है, जिसे कुछ अजीब लग रहा था तो वह अपने पीछे देखता है जहाँ वह डार्क शेडो होता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी उस डार्क शेडो को नहीं देख पाता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसके पीछे जरूरी कोई है। जिसके बाद लिनफी तुरंत ही लिन पर क्लोन फैदर टेक्निक का यूज़ कर उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि लिनफी के बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं और वह लिन पर अटैक करने लगते हैं, जिसे देख लिन उन क्लोन से अपने आप को डिफेंड करने लगता है और वह एक एक करके उन क्लोन को हराने लगता है। लेकिन तभी एक क्लोन लिन पर अटैक करता है, जिसे वह अपनी शॉट से रोकने लगता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए असली लिनफी लिन पर अटैक करता है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही लिनफी की शॉट लिन के बॉडी से टच होने वाली थी, तभी वह डार्क शेडो जो लिनफी के पीछे था उसके हाथ को मोड़ देता है, जिसके कारण लिनफी के हाथ से उसकी शॉट नीचे जा गिरती है, जिसका फायदा उठाते हुए लिन उस पर अपनी शॉट से अटैक करता है। पर लिनफी ने उसे देख लिया था और वह अपनी बॉडी ऑरा से एक फिंगर शॉट बनाता है और उसके अटैक को काउंटर कर देता है, जिसके बाद लिनफी का सर लिन के सर पर जा लड़ता है, जिसे देख लिन लिनफी को पीछे भेज देता है। जिसके बाद हमें ऑडियंस में सीनियर टियान सियान दिखाए जाते हैं, जिन्होंने सीक्रेट लैंड में लिनफी के साथ फाइट की थी, और वह कहते हैं कि यहाँ पर लिनफी ने अपने अटैक को कैसे मिस कर दिया। जिसके बाद उसके साथ वाले जूनियर डिसाइपल कहते हैं कि यहाँ पर लिन काफ़ी अजीब है और उसने ऐसे ही सोंग टियान को भी हरा दिया था। जिसके बाद हम एल्डर डैंग को देखते हैं, जो लिन के मास्टर को कह रहे थे कि तुम अपने डिसाइपल को इतनी खतरनाक टेक्निक क्यों सिखा रहे हो, यह टेक्निक तो बहुत ही ईवल है। जिस पर लिन के मास्टर कहते हैं ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे डिसिपल मेरे डिसिपल से हार गया था, और यहाँ पर वो सोंग टियान की बात कर रहे थे। जिसके बाद लिन के मास्टर कहते हैं कि मेरा डिसिपल यहाँ पे बहुत ही लक्की है कि वो इस टेक्निक का यूज़ कर पा रहा है। जिस मैटर को शांत कराते हुए सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि तुम दोनों चुप हो जाओ, और वह कहते हैं कि पर मास्टर लुओ को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, जबकि उनका डिसिपल लिनफी फाइट कर रहा है। जिसके बाद मास्टर लुओ सोचते हैं कि मैं जानता हूँ कि लिनफी के पास लिन से भी अच्छी टेक्निक है और वह उसे हरा देगा, इसलिए मैं चुप हूँ। जिसके बाद हमें लिनफी और लिन का मैच दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनफी लिन से फाइट करते हुए एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर लिन बहुत ही सिंपल टेक्निक का यूज़ कर उस पर बार बार अटैक कर रहा है, और वह समझ जाता है कि अगर इस मिस फॉर्चून शॉट टेक्निक से बचना है तो मुझे भी सिंपल टेक्निक का यूज़ कर लिन पर अटैक करना होगा। जिसके बाद लिनफी सबसे सिंपल टेक्निक का यूज़ कर लिन पर अटैक करने लगता है, और हम देखते हैं कि यह टेक्निक लिन पर असर करने लगती है और वह इसे रोक नहीं पा रहा था। जिसके बाद लिनफी अपना फाइनल अटैक करने जाता है, जिसे देख लिन अपनी पावर बढ़ाने लगता है और वह स्काई डिवोरिंग टेक्निक का यूज़ करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर बादल काले हो जाते हैं और वहाँ बिजली चमकने लगती है, और वहाँ पर लिन हवा में उड़ रहा था और वह अपनी बॉडी ऑरा से एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल शॉट बनाता है, जिस शॉट में से बहुत ही हाई ऑरा निकल रहा था, जिसे लिनफी भी फील कर पाता है। जिसे देख सेक्ट मास्टर कहते हैं कि अगर लिन ने इस टेक्निक का यूज़ किया तो वह काफ़ी घायल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ होता है और लिन का लेवल अभी उतना नहीं हुआ है। जिस पर लिन के मास्टर भी कहते हैं लिन तुमने ये क्या कर दिया। जिसके बाद हम लिनफी को देखते हैं, जिसे कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी से एक स्वॉर्ड एमलेट बाहर आता है, जिसे लिनफी ने पिछले एपिसोड में अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया था। और जैसे ही लिन उस बड़ी स्वॉर्ड से लिनफी पर अटैक करता है, हम देखते हैं कि वह स्वॉर्ड एमलेट उस स्वॉर्ड को प्योर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और वह सारी एनर्जी लिनफी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे जब वह पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहाँ पर मौसम पहले जैसा हो जाता है और लिन बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, जिसे देख उसके मास्टर तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे वह वहाँ से ले जाने लगते हैं। जिसके बाद हम लिनफी को देखते हैं, जिसे कुछ याद नहीं रहता है और वह सोचता है कि यहाँ पर मैंने क्या किया जिसके कारण यहाँ पर लिन हार गया। जिसके बाद अनाउंस कर दिया जाता है कि इस मैच का विनर लिनफी है। जिसके बाद वह सोंग टियान और सोंग यान के पास आता है और वह उनसे पूछता है कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, जिस पर सोंग टियान उसे बताता है कि तुमने उस पूरी शॉट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, जिसे सुन लिनफी हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पर टोंग आ जाता है जो लिनफी को देख रहा था, और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ।